दोस्तों सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए, हमने एक चैनल को ओपन कर रखा है और यहाँ से आप उसकी मंथली इनकम देख लीजिए, एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग यानी कि $851 से लेकर $13,500 तक। तो हम $13,500 जो मैक्सिमम है उसको छोड़ देते हैं और केवल $851 को हम देखते हैं कि हमारे मंथली कितने हो रहे हैं। तो यहाँ से चलते हैं कन्वर्टर पर, यानी कि USD को हम जो है 851 यहाँ पर टाइप कर देते हैं और यहाँ से इंडियन रुपीज़ हो रहे हैं ₹71,213 मंथली ये कमा रहे हैं अगर आप इनकी मिनिमम इनकम देखें तो। और अगर हम इनके सब्सक्राइबर की बात करें तो यहां से आप देख सकते हैं कि लास्ट जो है 30 दिनों में इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 10,000 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और व्यूज कितने आ रहे हैं, 34 लाख व्यूज आ रहे हैं। यहां से आप देख सकते हैं $851। अब बात करते हैं कौन सा है वो चैनल, तो लेके चलते हैं इनके चैनल पे। तो दोस्तों उस चैनल का नाम है द केबी। दोस्तों हर कोई जो यूट्यूबर है वो इनके ऊपर वीडियो बना रहा है, इनका इंटरव्यू ले रहा है और बहुत ही अच्छा फीचर उन्होंने ढूंढा है, यूट्यूब की तरफ से ही वो फीचर जो है दिया गया है। उस फीचर का नाम है कट फ्रॉम कंटेंट, यानी कि किसी के भी कंटेंट से ये वीडियो को थोड़ा सा कट करते हैं और लास्ट में अपने 1 या 2 सेकंड की वीडियो उसमें ऐड कर देते हैं, उनकी वीडियो बन के तैयार हो जाती है। इनकी वीडियो आप देख सकते हैं 629 इन्होंने डाली है मात्र 3 महीने में और 110,000 इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब वीडियोज़ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से पॉपुलर वीडियो पर चलते हैं, देख सकते हैं 4 मिलियन, 2.5 मिलियन, 1.8 मिलियन, 1.4 मिलियन, इस तरीके से व्यूज आते हैं। इनकी कोई भी एक वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से पहली वीडियो ओपन कर लेते हैं, ये वाली मतलब एक इन्होंने सौरभ जोशी की कोई वीडियो उठाई, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो जो भी है उसमें से लास्ट में केवल इतना बोल दिया, भाई ये तो किंग कोहली जैसा लग रहा है। एक वीडियो और प्ले करके यहाँ से दिखा देता हूँ, ये वाली भाई कभी हमारे हाथ में आ चुकी है, शोर मत करो, दो बंदे मार देना मेरे को, साइड में रियल बंदे मत मार देना, सब्सक्राइब पर मोड। तो इसमें ये कह रहा है भाई कोई रियल बंदे मत मार देना, मतलब सौरभ जोशी जो वीडियो बना रहे हैं उसमें वो गन चला रहे हैं तो ये कह रहा है भाई कोई रियल बंदे मत मार देना, मतलब लास्ट में ये थोड़ा सा रिएक्शन देते हैं उस वीडियो के हिसाब से। तो इस तरीके की वीडियो बनाते हैं और मात्र 3 महीने में इन्होंने अपना चैनल ग्रो कर लिया है और मैंने इनकी अर्निंग आपको दिखाई दी। तो अब बात करते हैं किस तरीके से वीडियो बनाते हैं। दोस्तों इनको वीडियो बनाने के लिए ना तो कोई एक्स्ट्रा फ़ोन चाहिए होता है, केवल एक फ़ोन से ही इस तरीके की वीडियो बन जाती है, ना आपको अपने फ़ोन में कोई वीडियो एडिटिंग ऐप्स की जरूरत होती है। कहीं भी आप जा रहे हैं बैठे हैं कहीं भी इस तरीके की वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कैसे आपको इस तरीके की वीडियो बनानी है। तो आपको अपने यहाँ से YouTube ओपन कर लेना है और किसी भी एक यूट्यूबर को सर्च कर लेना है जिसकी यानी कि वीडियो पे हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं। चलो हम सौरभ जोशी की वीडियो ही पे वीडियो बना के आपको यहाँ से दिखा दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सौरभ जोशी ब्लॉग यहाँ से लिख दिया है और यहाँ से सबसे ऊपर उन्हीं का चैनल आ जाएगा। अब यहाँ से वीडियो वाले सेक्शन में चलते हैं, कोई भी वीडियो आप यहाँ से इनकी ओपन कर लेना, जैसे ये वाली वीडियो यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। अब आज यहाँ से बंद कर देते हैं, ऐड आ रहा है तो ऐड को हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे, ऐड हमारा जैसे ही खत्म होगा यहाँ से हम इसको स्किप कर देते हैं। सबसे पहला काम जो है वो आपको इस वीडियो की क्वालिटी यहाँ से सेटिंग्स में जाके और ऑटो में चले जाना है और यहाँ से हाइयर क्वालिटी कर देना है ताकि आपकी जो शॉर्ट बने वो बिल्कुल HD क्वालिटी में बने। अब आपको रिमिक्स वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, साउंड, कोलैब, ग्रीन स्क्रीन और कट। तो आपको यहाँ पे ऊपर वाले 3 छोड़ के और सबसे नीचे जो ऑप्शन है कट वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, पूरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अब इस वीडियो में से आपको 5 सेकंड की कोई भी एक क्लिप ले लेनी है जो सबसे अच्छी आपको लगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप एक बार इनकी आवाज़ भी ओपन करके देख लेना ताकि ये क्या बोल रहे हैं। इतनी यही मुझे क्लिप अच्छी लगी तो यहाँ से आपको बस डन कर देना है। जैसे ही आप डन करेंगे तो इसमें प्रोसेसिंग लगेगी, लगभग 10 से 15 सेकंड लगेंगे, अगर नेट अच्छा होगा तो और जल्दी हो जाएगी। उसके बाद में इस तरीके का इंटरफेस आ गया, मतलब ये जो ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही है ये वो कट हो गया, जो आपने सौरभ जोशी की वीडियो से जो क्लिप ली है वो क्लिप आ गई है। अब आप अगर फ्रंट कैमरे से बनाना चाहते हैं, मतलब अगर आप ट्राइपॉड वगैरह यूज़ करते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं, वरना सेल्फी से ही ज़्यादा सही रहेगा। तो आप सेल्फी वाले कैमरे पर क्लिक करना और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी और नहीं चूज करना है। और यहाँ से आप इस तरीके से अपने कैमरे को होल्ड कर लेना और जो भी अभी उन्होंने बोला था कि हाय वेलकम टू, मतलब हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है, तो आपको क्या करना है यहाँ से हेलो सौरभ जी कैसे हो भैया, बस ये आपको इस तरीके से रिएक्शन दे देना है। आपको वीडियो के हिसाब से रिएक्शन देना है जैसी वीडियो हो। उसके बाद में आपको राइट वाले ऑप्शन पर यहाँ से क्लिक कर देना है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख लेना इस तरीके की वीडियो आपकी बन गई। कैसे हो भैया, गुड मॉर्निंग।
तो इस तरीके से आपकी वीडियो बन गई है। अब यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इनमें से भी आपको कोई भी चूज नहीं करना है, यहाँ से सीधे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आ गया। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे टाइटल कौन सा लगाना है। तो टाइटल आपको यहाँ पे लगाना है, कुछ भी लगा देना है अच्छा सा। तो यहाँ पे आपके लगा देना है सौरभ जोशी, मतलब कि सौरभ जोशी से रिलेटेड वीडियो, तो उनका नाम आपको जरूर लिखना है। तो यहाँ पे आप सौरभ जोशी लिख देना, सौरभ जोशी न्यू ब्लॉग इस तरीके से आपको लिख देना है। एक इस तरीके से ये लगा देना है, और अब आपको यहाँ पे तीन हैशटैग दे देना है। यहाँ पे एक सौरभ जोशी का हैशटैग दे, उसके बाद में एक हैशटैग दे देना है आपको बाइटी शॉर्ट, एक और दे देना है शॉर्ट फीड। ये मैंने हैशटैग दे दिए हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, और इसी क्लिप में से एक अच्छा सा थंबनेल आपको यहाँ से ले लेना है। तो थंबनेल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से चलो हमने ये वाला थंबनेल ले लिया, और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। थंबनेल आपको ऐसा लेना है जो यूनिक लगे, जिसको ऑडियंस देख के ही क्लिक कर दे। मान लीजिए अगर आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में नहीं जाए, तो ब्राउज फीचर में जाके आपकी वीडियो जो है लोग उस पर क्लिक करें। अब यहाँ से पब्लिक है, तो उसको पब्लिक ना रह के आप अनलिस्टेड कर देना। कोई भी वीडियो आप हमेशा अनलिस्टेड पे ही जो है अपलोड किया करें। उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है, लोकेशन को छोड़ देना है, और ऑडियंस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे देख लेना है कहीं आपने यस तो सेलेक्ट नहीं कर रखा है। तो आपको हमेशा यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। अगर आपने यहाँ पे यस सेलेक्ट कर दिया, तो आपकी जो वीडियो है केवल बच्चों तक ही जाएगी। तो यहाँ से हमने नो सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद और आ जाते हैं, और ये है अल्टर्ड कंटेंट, यहाँ पे आपको भी यहाँ पे भी नो सेलेक्ट कर देना है। अगर AI से वीडियो बना रहे हैं तो यस कर देना, और उसके बाद में आपको सब कुछ आपको कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ से अपलोड शॉर्ट कर देना, शॉर्ट वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी आपके चैनल पे। और उसके बाद में अब आपको जाना है अपने बाइटी स्टूडियो में। तो बाइटी स्टूडियो को यहाँ से हम ओपन कर ले, ये रहा हमारा चैनल जिस पे हमने अभी वीडियो अपलोड की थी, और यहाँ से कंटेंट वाले सेक्शन में आ जाएंगे। तो ये रही हमारी वीडियो जो कि अपलोड हो रही, 3 डॉट में जाएंगे और एडिट में चले जाएंगे। एडिट में जाने के बाद में आपको जो ये जो टाइटल है, यानी कि इसको पूरे को कॉपी कर लेना है, और यहाँ से डिस्क्रिप्शन वाले जो उसमें पेस्ट कर देना है। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने खुद बताया है कि ये अपने डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में कुछ भी नहीं लगाते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से सेव कर देना है, और अपनी वीडियो को एक सही समय पर अपलोड कर देना है। अब मैं बताता हूँ कि ये अपनी वीडियो एक दिन में कितनी अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी शॉर्ट चैनल पे आपको एक दिन में 3 से 4 वीडियो से ज़्यादा अपलोड नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी शॉर्ट वीडियो को वायरल होने के लिए कम से कम 1 या 2 घंटे लगता है। मान लीजिए आपने 9 बजे वीडियो अपलोड की, तो आपको थोड़ा सा उसको समय देना है। ऐसा नहीं है कि 9 बजे अपलोड की और 9:10 पे ही वो वीडियो वायरल हो जाएगी। उसको वायरल होने में समय लगता है, 2 घंटे तक आप वेट करिए। उसके बाद में दूसरी वीडियो आप 11 बजे डाल दीजिए, तीसरी वीडियो आप जो है 1 बजे डाल दीजिए, और चौथी आप 3 बजे डाल दीजिए। अगर 5वीं आप डालना चाह रहे हैं तो आप 5 बजे डाल सकते हैं। तो एक दिन में मैक्सिमम आप 5 वीडियो से ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं 10-10 वीडियो डालते हैं। तो आपका ऐसा नहीं करना है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि किस टाइम अपलोड करनी है। तो पहले ही इन्होंने बताया कि एक दिन में ये 3 से 4 वीडियो डालते हैं, क्योंकि इन्होंने लॉन्ग वीडियो भी बनाई है इसी टॉपिक पे कि मैं अपनी वीडियो कैसे अपलोड करता हूं। तो पहले ये 9 बजे डालते हैं, दूसरी 11, तीसरी 1 और चौथी 3 बजे। तो ये रही इनकी टाइमिंग, और मैंने बता ही दिया कि मैक्सिमम आपको 5 और मिनिमम आप कम से कम 3 या 4 तो वीडियो डाल ही देना। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे, तो आप भी 3 से 4 महीने में ही ग्रो हो जाएगा आपका चैनल। क्योंकि इन्होंने जब स्टार्ट किया था, तो इस तरीके को कोई चैनल यूट्यूब पे नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा सा अब समय लगेगा ग्रो होने में, तो आप स्टार्ट करिए और बहुत जल्दी आपका भी चैनल ग्रो हो जाएगा। तो आई होप अब आप समझ पाएंगे कि तक KV7 की तरह वीडियो आपको कैसे बनानी है, कैसे अपलोड करनी है, किस समय अपलोड करनी है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।